नमस्ते दोस्तों, आज बहुत ही खास विषय पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप 12th पास आउट हुए हैं, जी हाँ, मैं बिहार बोर्ड 12th की बात कर रहा हूँ, या फिर आपके कोई रिलेटिव भी स्टूडेंट है जो कि 12th पास आउट हुए हैं, तो भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, मैं जो आज जानकारी देने वाला हूँ वह यह है कि बिहार बोर्ड ने 12th इंटरमीडिएट स्टूडेंटों का लिस्ट जारी किया है। जी हाँ, स्कॉलरशिप लिस्ट जारी किया है। तो जितने भी सफल विद्यार्थी हैं वो अपना नाम और रोल कोड डाल करके अपना चेक कर सकते हैं कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। तो बिहार बोर्ड ने जो स्कॉलरशिप का लिस्ट जारी किया है उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप तुरंत डाउनलोड भी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप में आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आपका उस PDF में जो आपको अभी डाउनलोड करना है, बिहार बोर्ड ने जारी किया है, उसे आप डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आप अपना रोल नंबर रोल कोड डाल के देखिएगा, अगर आपका नाम आता है तो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरनी है। और स्कॉलरशिप फॉर्म कहाँ से भरनी है, तो आपको कॉलेज द्वारा ही स्कॉलरशिप फॉर्म कब भरना है या फिर जो फॉर्म होता है वो दे दिया जाएगा, और आप उसे अपने कॉलेज को भर करके दे सकते हैं। और फिर आप अगर आप सिलेक्टेड है, और अधिकतर देखा जा रहा है कि अभी जो लिस्ट आई है उसमें 80% से ऊपर मार्क्स जिन भी स्टूडेंटों ने स्कोर किया है उन्हीं का लिस्ट जारी किया है। तो खैर, आप अपना देख सकते हैं आपका नाम उस स्कॉलरशिप फॉर्म में आया है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक बेटे पॉलिटेक्निक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी खास अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।